ये बीजे सरके के नाम से जो अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके थ्रू बनाए गए थे। अगर आपको किसी भी बिल्डिंग में अभी ले चलूँगा ना, आपको कम से कम 100 जगह पाइप लीकेज मिलेंगे। पाइपलाइन की इनकी जो क्वालिटी है बिल्कुल थर्ड क्लास है। ऊपर से वाल खोला, नीचे पानी लीकेज, पाइप फट के अलग हो जाते हैं। ये बिल्डिंग की जो नींव है वो पूरी खोखली हो चुकी है, किसी भी टाइम किसी भी साल में ये गिरने को तैयार हो जाएगी। घटिया क्वालिटी है सर, बिल्कुल घटिया क्वालिटी है, इसमें रहने लायक है ही नहीं। ठगा गया हमें तो, बेवकूफ बनाया गया सर। मटेरियल तो थर्ड क्लास लगाया है, एक आने लग गया, पाइप फट जाता है। यहाँ मुहबाई खड़ी है मौत, ये मकान नहीं शमशान है। दिल्ली को एक झटका और तैयार हो जाएगा कब्रिस्तान। हम हवा हवाई बातें नहीं कर रहे, हम सबूत के साथ दिखाने जा रहे हैं कि कैसे डीडीए के नए फ्लैट्स किसी कब्रिस्तान से कम नहीं। और यहाँ रहने वाले लोग ईंट और सीमेंट की दीवारों के बीच नहीं, किसी मलबे के नीचे सांसें ले रहे हैं, या यूं कहें कि सांसें गिन रहे हैं बस। इस दिन दिल्ली में कुछ भी 3-5 हुआ, यहाँ रहने वाले लोगों के प्राण पखेरु हो जाएंगे। यकीन ना हो तो ये तस्वीर देखिए। सर क्या नाम आपका और कौन से अपार्टमेंट में रहते हो? मैं सी ब्लॉक में रहता हूँ, हिंद अपार्टमेंट में। किसके द्वारा बनाए गए थे ये फ्लैट्स? ये बीजे सरके के नाम से जो अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके थ्रू बनाए गए थे जी। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें इतनी हैं कि आप बेनिफिट क्या है इनमें एक बार बताइए। इसके अंदर क्या है, टावर तो आपने 15 मंजिल के खड़े कर दिए, आदमी पैदल चल के जाएगा जी। ओके रोड भाई साहब देखिए, ये जो छेद है ऊपर से पानी कहाँ से आता है कुछ नहीं पता है जी। यहाँ से पानी निकलता है ये छेद से जी। और ये जो पानी आप देख रहे हैं ये 24 घंटे ऐसे चलता रहता है। आज तक बीजे सरके ने ये नहीं बता पाई कि ये पानी एक्चुअल में ओवरफ्लो इतना हो क्यों रहा है या कहाँ से लीकेज है। ये इसमें नहीं है, हर ब्लॉक में ये प्रॉब्लम्स है कि ओवरफ्लो चलता रहता है। और इसके कारण ये बिल्डिंग की जो नींव है वो पूरी खोखली हो चुकी है, किसी भी टाइम किसी भी साल में ये गिरने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि इतनी घटिया क्वालिटी लगाई है। ऊपर से कोई इसका रेख रखाव नहीं है, इनके पास ओवरफ्लो का पानी का कुछ देख रेख नहीं है, तो ये 24 घंटे पानी कैसे चल रहा है? टंकी भरती है पानी की तो सुबह भरती है शाम को भरती है, लेकिन ये पानी ऐसे एज इट इज 24 घंटे चलता है। और यहाँ नहीं, पूरी टावर में, पूरे हिंद अपार्टमेंट में ये ऐसे ही हाल है। ठगा गया हमें तो, बेवकूफ़ बनाया गया जी। मटेरियल तो थर्ड क्लास लगाया है, उसके बाद भी मेंटेनेंस भी तो नहीं है ना। इनको पानी का ही नहीं पता चल रहा कि ये पानी 24 घंटे कहाँ से लीकेज होता है। और आप तो ये सीधे पानी को तो देख लेते हैं, ये दीवार के अंदर से पानी निकलता है। दीवार के अंदर से पानी कैसे निकल सकता है ये बात बताइए। जी लिफ्ट है वर्किंग में नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ। अभी हमारा ए ब्लॉक है जी, इसके अंदर लिफ्टें चली नहीं है जी। दो लिफ्टें काम करती हैं, वो भी आए दिन बंद रहती हैं। बी ब्लॉक में बंद रहती हैं, सी ब्लॉक में बंद रहती हैं। ये फ्लैट आपने कितने का खरीदा था और कब खरीदा था? ये भाई साहब 11 लाख रुपए का फ्लैट है जी, और इसको खरीदे हुए तकरीबन 1 साल होने को हो रहा है। अगर 1 साल में इतनी दिक्कतें आने लगी तो समय बाद क्या होगा? आपको मैं बता दूं, अभी तो सीवरेज लाइन भरी हुई है जी, लिफ्टें खराब हैं जी, लिफ्टें काम नहीं करती हैं। अब तो इनका मौका ये है जी, ये फ्लैटों को जो है ना झुग्गी झोपड़ी बना के इनको सड़कों फेंक दो। क्या लिफ्ट एक बार भी नहीं चली है शुरू से ले अभी तक? आपको मैं ऐसी कई लिफ्टें बता देता हूँ और हर ब्लॉक में जो एक बार भी नहीं चली है। जैसे अभी जिसमें अभी हम खड़े ए ब्लॉक में, इसकी 3 टोटल 6 लिफ्ट हैं, 6 में से 3 तो आज तक चली नहीं है। और जितनी लिफ्टें हैं सबकी जो लिफ्ट बेस है उसमें पानी भरा रहता है जी, तो पानी को कौन निकालेगा? पानी की निकासी नहीं है कहीं पे, आता कहाँ से है? आज तक बीजे सिरके वालों ने ये पता नहीं लगाया कि पानी कहाँ से आ रहा है जी, तो हम कहाँ से पता लगाएंगे? जब इनके इंजीनियर फेल हो गए हैं तो हम तो आम आदमी हैं जी। लिफ्टें खराब हो जाती है, बिल्कुल हो रही हैं। लिफ्ट टेक्नीशियन कहते हैं जी भाई साहब अगर हम चला देते हैं तो कल को नुकसान होएगा, या किसी के साथ मिस हैपनिंग हो गई, कोई करंट लग गया, कौन जिम्मेवार होगा? हम तो चला के छोड़ देंगे, अगर आप गारंटी लेते हो तो चला देते हम। अगर आपको किसी भी बिल्डिंग में अभी ले चलूँगा ना, आपको कम से कम 100 जगह पाइप लीकेज मिलेंगे। पाइपलाइन की इनकी जो क्वालिटी है बिल्कुल थर्ड क्लास है। ऊपर से वाल खोला, नीचे पानी लीकेज, पाइप फट के अलग हो जाते हैं। कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे डक में पानी भरा पड़ा है। यहाँ के जो पब्लिक रह रही है इनको दिक्कत हो रही है, हमारे भाई साहब है इनको भी पूछो। आशु भाई जी इतनी दिक्कत है भाई साहब के, किसी भी आदमी से पूछ लो। इतनी घटिया क्वालिटी लगाई है और इतना घटिया कंस्ट्रक्शन काम किया ना बीजे सिरके ने कि आदमी रहने लायक नहीं। आप इसके 100 साल की बात करते हो, ये 10 साल नहीं टिकेगी ना। आपने
ये शख्स कैसे एक एक करके सारी परेशानियां गिनवा रहा है और सबूत के तौर पर सब दिखाने को भी तैयार है। ये नरेला में डीडीए के फ्लैट्स हैं, पर गलती डीडीए की नहीं बीजी शिर्के कंपनी की है। इसी कंपनी ने ये नायाब नमूना तैयार किया है। जी हाँ, नमूना, क्योंकि इसे मकान कहना मुनासिब नहीं, क्योंकि ये मकान ईंटों पर नहीं ताश के ढेर पर तैयार हुए हैं। इसलिए बीजी शिर्के कंपनी का ये मकान कोई सपनों का आशियाना नहीं, एक नमूना ही है जो कब ढह जाए कहा नहीं जा सकता। शिकायतें हो रही है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिंटू है सर। चिंटू जी, कब जी। कौन सी कंपनी के फ्लैटों में रह रहे हो आप? ये सर, मैं हिंद अपार्टमेंट में रह रहा हूँ, नरेला गया है जी। और ये सिरके कंपनी द्वारा बनाया गया जी। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें सर इसमें ये है, जैसे एक तो लिफ्ट का, तो सबसे भाई साहब ने बताया कि प्रॉब्लम है लिफ्ट का जी। लिफ्ट में बहुत सारी दिक्कत भी आ रही है, तीन लिफ्ट इसका चल रहा है जिसमें से हमेशा दो खराब रहता है, एक में कहीं भी बंद हो जाता है किसी टाइम भी, कोई अलार्म नहीं काम कर रहा है, कुछ भी नहीं काम कर रहा है, नहीं आता सर, कोई भी नहीं आता है। यहाँ तो कोई देखने भी नहीं आया है, हम लोग तो पोजीशन में लिए हैं, वो तो समझो कि हमने युद्ध करके लिया है पोजीशन जी। हमने 15 अगस्त को हमने पेमेंट किया जी, फ्लैट में मैं आया हूँ मार्च में, अब देख लो ना, हम लोग इतना बड़े आदमी थोड़ी है कि बताओ हमने 11 लाख का फ्लैट लिया और 6-6 महीना हम EMI भरे। बिल्कुल घटिया क्वालिटी है, इसमें रहने लायक है ही नहीं, बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। आप इसको देख भी सकते हो, कोई मेंटेनेंस वाला सुनता नहीं है। अब बताओ ना, हम अपना काम छोड़ के थोड़ी मेंटेनेंस वाले के पीछे पड़ते रहेंगे, भैया आप इसको ठीक करो। एक साल भी कहाँ हुआ है सर, मार्च में हुआ है एक साल, तो हम तो मार्च में आए थे, क्रैक आने लग गया, पाइप फट जाता है, 15 मंजिल की बिल्डिंग है, पाइप बिल्कुल हल्का लगा, अभी भी गिर सकता है सर। आप छोटा सा एक, मैं एक नज़ारा आपको दिखाता हूँ, आप आ जाइए ना, ठीक है, आ जाओ मेरे सामने, मैं भी दिखा देता हूँ। बहुत सारे क्रैक है, अंदर भी है ऊपर भी है, जो आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कत भी हो सकता है। अब आप इस मकान, माफ कीजिएगा, इस ढांचे की तस्वीर देखिए, हर जगह क्रैक, हर जगह सिलन, यहाँ तक कि सीवर की व्यवस्था भी ठीक नहीं। तो सवाल ये कि बीजी शिर्के कंपनी वालों, आपने क्या किया? क्या देखने के लिए इसे बनवाया था? जब एक साल में ये हाल है तो 10 साल में शायद ये इमारत आपको दिखे ही नहीं। बीजी शिर्के कंपनी के काम और माल से यहाँ रहने वाले लोग हर तरह से परेशान हैं। 11-12 लाख खर्च करके भी उन्हें सुविधा नहीं मिली है। सुनिए, क्या नाम है आपका? हरिनिवास शर्मा। हरिनिवास जी, कहाँ फ्लैट ले रखा और आपने कैसे क्या हुआ बताइए? ये बीजे सिरके में फ्लैट लिया हुआ है, हिंद अपार्टमेंट जी। और इसमें सीलन की समस्या ऐसी है कि कई बार इनसे कहने के बाद भी एक काम नहीं कर रहे हैं। आज फिर मैं सुबह से यहाँ पे आया हुआ हूँ और जब जाके कहीं बोले कल करा देंगे, इनकी कल ख़त्म नहीं होती। और ये समस्या एक मेरे फ्लैट में नहीं है, यहाँ 90% फ्लैट ऐसे हैं कि जिनमें सीलन की समस्या बनी हुई है। आपने कब लिए थे ये फ्लैट? अभी पीछे लिए थे, जो 1.5 साल हो गया लगभग। सीलन की समस्या ये है कि देखो पानी टपक रहा है जी, पानी टप टप गिर रहा है। सीलन एक वैसी होती है नॉर्मल सी, ये तो सारी सफेदी वगैरह सब डिस्टेंपर उड़ गया इसका तो जी। ये और पीछे भी ये सारा पानी बहता था, पेड़ भी सूख गया, ये इतना लोग कहते हैं पेड़ लगाओ, ये तो ऐसे पेड़ भी सूख रहे हैं। यहाँ तो दिखाने के लिए तो बहुत अच्छी है जी, दूर से देखने वो कहते हैं दूर के ढोल सामने, वो वाली स्कीम है यहाँ पे, भाई दूर के ढोल सामने लग रहे हैं, यहाँ सुविधाएं नहीं है। बीजे सिरके के बताते हैं कि बीजे सिरके ने बनाई थी। क्या नंबर फ्लैट है आपका? मेरा 41 है, 41 नंबर। ओके, शिर्के कंपनी की ये इमारत और इसके अंदर लगातार बढ़ रही दरारें इस बात का सबूत है कि इस प्रोजेक्ट में बीजी शिर्के कंपनी के ठेकेदारों ने करोड़ों रुपए घोटाला किया है। और कमाल तो ये है कि क्या डीडीए के अधिकारियों ने एक बार भी इसकी जांच नहीं की? क्या और भी प्रोजेक्ट बीजी शिर्के कंपनी के हाथों में है? क्या बीजी शिर्के कंपनी और भी शमशान तैयार करा रही है? सवाल कई सारे हैं और परेशानियां भी कई सारी हैं, पर जवाब देने वाले बस तमाशबीन बने बैठे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद क्या बीजी शिर्के कंपनी के ठेकेदारों और मालिकों पर कोई एक्शन लिया जाएगा, यह देखना तो लाजमी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।